आसिफ अली भट्ट, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के एनवाईसी एसोसिएशन। तो आज यहां बताना चाहता हूं कि ये जो काले कानून जो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए रोज रोज नए नए ऑर्डर किए जाते हैं, उसके खिलाफ जो हमने आगाज किया है, आपने देखा होगा हमने जम्मू बीजेपी ऑफिस का भी घेराव किया, आज कश्मीर में है। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे इस जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि ये जो यूथ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ऑर्डर निकालते हैं फिर उस पर क्लेरिफिकेशन देते हैं कि हम इनको डिसंगेज नहीं करने वाले। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारा मसला डिसंगेज नहीं, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है और एक अच्छी सैलरी है जिससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ और अपनी फैमिली को चला पाएँ। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों को कि आप वादे करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो बैकबोन है, तो क्या अब आप उस बैकबोन के साथ नहीं खड़े होंगे? आपने जो वादे किए थे तो उसके खिलाफ, उसके लिए आपको क्या कहना है? अब उनको चूज करना पड़ेगा कि ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी, या तो उनको हमारे साथ स्टेज पे आके इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना होगा, हमारी डिमांडें पूरी करवानी होगी, या वो बोलें कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनके सुनने वाला नहीं है तो दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है। हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे लिए दिल्ली का दिल भी दूर नहीं, क्योंकि इतिहास जानता है हम दिल्ली में भी बैठे थे, ज़रूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में हर पंचायत में प्रोटेस्ट, क्योंकि हमारे एनवाईसी जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है, वहाँ से ही प्रोटेस्ट हर जगह किए जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली के दिल में भी हम बैठेंगे और अपना अपना मसला हल करवा के रहेंगे, क्योंकि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले दिनों आप सब जानते हैं मैंने कॉल दी थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब विजयपुर आए थे पल्ली गांव में कि अगर आपसे नहीं बात होती तो हम खुद अपनी बात करेंगे, हमें मिलने का मौका दिया जाए। डिसएंगेजमेंट ऑर्डर को नहीं मानते आप? डिसएंगेजमेंट का तो गवर्नमेंट, ये तो कोई ऑर्डर नहीं है, डिसएंगेजमेंट की कोई बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट भी, मगर हमारा मसला एंगेज या डिसएंगेज का नहीं है, क्योंकि हमने जिंदगी के 12 साल इनको दे दिए हैं, हमारा मसला है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी। में आते हैं जो ज़राअत
जंगलात और जो रहबरे तालीम बिल्कुल ये कमेटी जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी कि इनका इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको इन्होंने माना था। जो पिछले एलजी साहब थे मुर्मू साहब, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि वन टाइम आपका सोल्यूशन करेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे यूथ हैं, तो उसके लिए ही कमेटी बनाई गई थी। मगर कमेटी की जब रिकमेंडेशंस आई, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका हम वन टाइम सोल्यूशन कर रहे हैं, उनका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर ये कौन जो है वो रातों रात लाया जाता है। एक तरफ आश्वासन, मैं बोलना चाहता हूँ इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, कहने और करने में फ़र्क है, जो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी और इन्हेंसमेंट नहीं आएगा, किसी भी कीमत में ना झुकने वाले हैं ना पीछे मुड़ने वाले हैं, ये हम यहाँ से बताना चाहते हैं। और इनको बताना चाहते हैं कि NYC जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है। We burn! Justice! We burn! Justice! Hush me out! Hush me out!